क्या भी आपने सोचा कि स्मार्ट वॉचेस जो आजकल आ रही है वो स्मार्टफोन को रिप्लेस कर रही है। आज हम इसी प्रोडक्ट को अनबॉक्स और इसका रिव्यू करने वाले, ये है फायरबोल्ट ओरेकल। और ये जो है एक एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है, इस स्मार्ट वॉच के अंदर स्मार्टफोन के सारे फीचर्स है, लाइक व्हाट्सएप कॉलिंग वगैरह और भी बहुत कुछ, जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरुआत करते हैं। एंड काफ़ी टाइम बाद वीडियो आ रही है, काफ़ी टाइम बाद या काफ़ी महीनों बाद वीडियो आ रही है, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वीडियो तो आई है, देखो मजे करो। काफ़ी टाइम बाद बोलता हूँ एक चीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नया हो तो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना और एंड तक वीडियो देखो। इस वॉच की पूरी जानकारी देते हैं, तो बढ़ते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। सो इस बढ़ते अपनी अनबॉक्सिंग की तरफ। तो यह फायरबोल्ट और एकल, तो 4G लाइट वगैरह दे रखा है, कुछ ब्रांडिंग ब्रांडिंग करी हुई है, पीछे कुछ फीचर्स दे रखे हैं और स्पोर्ट मोड वगैरह सारी चीज़ें दे रखी है। इसको फटाफट अनबॉक्स कर लेते हैं यार, और इसको खोल के देखते हैं। और इसमें से सबसे पहले तो ऊपर थाला दिखते हैं, थाला को रखते हैं साइड में, फ्री मेंबरशिप प्रकार की चीज़ें। और एक क्वेश्चन है इसके अंदर कि 5 वोल्ट या 3.7 वोल्ट से ज़्यादा का एडाप्टर से इस्तेमाल नहीं करना, वरना इसके प्रोसेसर या मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। फ्री है, वारंटी कार्ड है थाला वाला, फिर ये यूजर मैनुअल कार्ड, और एक गिटार के पिन है, इससे गिटार हो जाते हैं। नहीं वो नहीं है, ये सिम इजेक्टर टूल है। और गाइड के अंदर एक QR कोड है जिससे ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप। और ये जो चार्जर है इसमें 4 पिन वाला है। एक्चुअल में ये जो स्मार्ट वॉच है यूजुअल उससे ज़्यादा हैवी है, तो इसमें ज़्यादा पिन लगती है इसको सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इसका प्रोसेसर थोड़ा ज़्यादा हैवी है, तो इससे थोड़ी से गर्म भी हो रही थी। फिर आप आते हैं इस पर, तो इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। किंक दे रखे हैं, पावर बटन दे रखा है, फिर इसको फटाफट ओपन कर लेते हैं। ये सबसे सेटिस्फाइंग थिंग लगती है किसी भी चीज़ के प्रोडक्ट को, सेलोफेन उतारना और अनबॉक्सिंग करना। और पीछे उसका सेंसर दे रखा है जो SpO2, हार्ट बीट वगैरह सब चीज़ सेंस करता है। इस पर ऑलरेडी इनबिल्ट एक सेंसर डल के आया हुआ है, वो सेंसर कह रहा हूँ टेम्पर डल के आया हुआ है कंपनी की तरफ से, वो 9800 तो ज़्यादा भाई, बढ़िया है। इसके अंदर फायरबोल्ट वालों का खुद का क्वाड कोर प्रोसेसर डला हुआ है, और इसमें आप देख रहे हो साइड मेन्यू से सारी एप्स वगैरह खुल जाती हैं। अगर मैं सेटिंग खोल के देखा तो इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ब्लूटूथ वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। अब इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ अपने TWS मतलब आप अपने ईयरफोन्स वगैरह भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो वाया ब्लूटूथ, और आप इसको एज अ हॉटस्पॉट जैसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहे उसको भी इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है, लैंग्वेज का भी। उसके साथ साथ एप्लीकेशन व्यू, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक ऐसे ग्रिड व्यू है, ग्रिड व्यू कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हो कुछ ऐसा सा दिखता है ग्रिड व्यू, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ये जो है ये नोब, ये मल्टीफंक्शनल है, जैसे आप देख सकते हो ये। अब जैसे मैं सेटिंग खोल देता हूँ, कैलेंडर खुल गया कोई ना, उसके साथ साथ इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक कैलकुलेटर वगैरह तो नॉर्मल उसमें होता ही होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे स्पोर्ट मोड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अराउंड 120+ स्पोर्ट मोड है इसके अंदर, और उसके साथ साथ अगर आपको ऑक्सीजन लेवल या नो लोकेशन एक्सेस डिवाइस लोकेशन फॉर ऑल एप्स इज टर्न ऑफ, तो आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। क्योंकि मैंने तो पहली बार खोला, तो ये मेरे से पहली बार में सारी नोटिफिकेशन मांगेगा मांगेगा, तो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, हार्ट रेट और SpO2, या आपका हार्ट रेट और SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल भी मेजर करता है, जो आजकल बेसिकली हर एक स्मार्ट वॉच के अंदर आ ही रही है। सो गाइस, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हार्ट रेट की बात करें तो मैंने इस पे एप्लीकेशन व्यू चेंज कर दिया है। यहाँ पे स्टार्ट करोगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल चार्ज हो जाएगा, लेकिन देख लेते हैं करके एक बार। 20 सेकेंड लेगा ये। नाइन्टी फाइव परसेंट रिजल्ट, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट होता है, और डेली बेसिस पे चेक करने के हिसाब से तो स्मार्ट वॉच वगैरह तो सारी चीज़ सही रहती रहती है। ऐसे आपको ऑक्सीजन लेवल के साथ साथ हार्ट रेट भी रिकॉर्ड करने, हार्ट हार्ट रेट भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। इनकी एक ऐप होती है
जो ये जो है मोबाइल असिस्टेंट्स के ऑप्शंस पे आप जाके आप इसको एज अ नॉर्मल स्मार्ट वॉच इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक जैसे अभी तो आपने सिम वगैरह डाली हुई है, जैसे आपने अनबॉक्सिंग में देखा यहाँ पे सिम है, तो इसमें सिम डली हुई है, तो ये स्मार्टफोन जैसे इस्तेमाल हो रहा है। बट अगर आप इसको नॉर्मल स्मार्टवॉच जैसे इस्तेमाल करना चाहोगे, फोन के साथ कनेक्ट होकर चलेगा, सिम फोन में है, तो ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप फोन को कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे आप सर्विस ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ ये कौन सी ऐप से चलता है वो भी इसके अंदर ही आता है। इस क्यूआर कोड से करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड उससे कंट्रोल हो जाती है, वाया ब्लूटूथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड माई फोन कर सकते हो, मतलब अभी नॉर्मल स्मार्ट वॉच हो जाएगी जो यूजली आजकल बजट सेगमेंट के अंदर स्मार्ट वॉच आ रही है, ठीक है। बाकी जैसे बेसिक फंक्शंस के बारे में बात करूँ तो ऑफ कोर्स ये वॉइस रिकॉर्ड वगैरह हो गया, या म्यूजिक प्ले एंड पॉज हो गया, ये सारी चीज़ हो जाएगा। इसमें पेडोमीटर वगैरह हो गया, सारी चीज़ हो जाएगा। बट इसमें जो मेन बात है वो है प्ले स्टोर। अब यहाँ पे अपनी मनपसंद आप कोई भी ऐप जो है यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। लाइक अगर मैं इंस्टाग्राम डाउनलोड करना चाहूँ तो मैं इंस्टाग्राम भी यहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकता हूँ और इसमें फर्स्ट क्लास इंस्टाग्राम चला सकता हूँ। अब देखो बिल्कुल ये स्मार्टफोन ही है एक, इस ओलेड 1.96 इंच की जो स्क्रीन है, ओलेड डिस्प्ले, उसके अंदर पूरा एक स्मार्टफोन बसा हुआ है। बट हल्का सा मेरे को बस वो रहता है कि इसमें चार्जिंग करने के बाद थोड़ा सा हीट हो जाती है, जब मैंने इसको टेस्ट किया चार्जिंग करता थोड़ा सा हीट हो जाती है, बाकी आप इसके अंदर पूरी ऐप चला सकते हैं। गाइस देख सकते हो आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप इसको हल्का सा स्लाइड अप करोगे तो यहाँ पे टास्क बार मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पे 92% इसकी बैटरी दिखा रहा है और अभी मैंने इसमें सिम डाल रखी है तो पूरे 4G नेटवर्क आ रहे हैं, इसके अंदर वाईफाई भी चल रहा है, ब्लूटूथ भी कनेक्ट है, तो ये काफ़ी ज़्यादा मल्टी फंक्शनल टास्क बार है। यहाँ पे आप काफ़ी हद तक ऑपरेट कर सकते हो। तो एक बार कॉल करके आपको इसका साउंड टेस्ट मैं करवा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो ये मैंने कॉल मिला दी, देखो आवाज़ एको कर रही है। ये है साउंड, यहाँ पे स्पीकर एंड माइक्रोफोन दे रखा है साइड में, तो साउंड देख के बताओ। हेलो गाइस, तो आप इसमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉल कट कर दिया, अब इसके बगैर यूट्यूब का टेस्ट कर लेते हैं, साउंड टेस्ट। सो गाइस अपनी वीडियो चलाते हैं तो ऐड आ गई। ई आ चुका है, 2-4 दिन से बहुत ज्यादा उसके बारे में बातें हो रही है। क्या इंडिया का ई रूपी, ई रूपी आ गया, डिजिटल करेंसी आ गई, बिटकॉइन आ गया इंडिया का, तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे डाउट्स होंगे और सारी चीजें इस वीडियो में। वाह कितनी बढ़िया वीडियो थी ये, नहीं देखी तो देख लेना, सारे मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में या चैनल पे जाके देख लेना। ये फुल स्क्रीन मोड पे भी हो जाता है, ये मैंने फुल स्क्रीन मोड पे करा हुआ है एंड ये नॉर्मल आ गया, ऐसा रहता है ये। तो ये हो गए साउंड टेस्ट है इसकी। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आती तो यार लाइक कर देना और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब नहीं करो तो अब तक कर लेना, ऐसी और वीडियोज आएंगी अब। और क्या बताना है ये वॉच आपको कैसी लगी, रिव्यू कैसा लगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको कैसी लगी। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।